आप तो टेंशन में खाती हो बहुत दिन हो गए थे, घर बंद पड़ा है ना बिल्कुल, मतलब काफ़ी, मेरे ख्याल से एक हफ्ता ही हो जाएगा। अब ना बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, दिल्ली में कोई इतनी बारिश नहीं हो रही, यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो रही है। सीलन के एक एक बंद वो नज़र आने लगे हैं कीड़े ना, यहाँ पे बहुत जल्दी आते हैं, और घर बंद रखो तो फिर और ज़्यादा आते हैं। तो अब ये गूगल और लोबान वाली जो मैंने दिखाई थी ना, क्या नाम था, पंचवर्णम धूप, ये काम आएगी। अब दोनों है नहीं, मैंने मार्केट भेजा है सब्जी लाने के लिए, दिया और शिवांगी को, तो इतने मैं दोनों कमरों में, पहले उनमें करती हूँ ड्राइंग बंद, फिर ड्राइंग रूम में करूँगी, रात को जब सो जाएंगे तो इसमें धुआं करके मतलब छोड़ दूंगी। और फिर इसको ना शर्मा जी पहले ऐसे करके जलाते थे पूरा, एक बार ना मैंने इसके ऊपर वो रख दिया था खाली, जो वो कपूर रख के और जला दिया, फिर मुझे डांट पड़ी बहुत। फिर दिखाया कि इसको ऐसे करके अच्छे से पहले जलाओ फिर इसमें कपूर रखो। अब इसमें ना ये कपूर के कुछ वो डाल दूंगी, तो अब ये जलता रहेगा आराम से, तो इससे ना सीलन वाले जो कीड़े होंगे ना वो चले जाएंगे, जो बरसात में हो जाते हैं ना। और यहाँ तो चलो फिर भी धूप आती है, दिल्ली वगैरह में तो बिल्कुल ही धूप नहीं आती, तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं ये। आज मेरी वजह से ना पूरे घर में धुआं हो गया, पूरा घर भर गया है, क्योंकि पंखे ने इधर खींच लिया, पर ना फ्रेशनेस की खुशबू आ रही है एकदम, है ना दिया, है ना दिया, कह रही है एसी कब चलेगा, मैंने कहा पहले देखो देखो मच्छर काट गए मच्छर, हाँ इसीलिए लगाया मैंने, अभी देखना एक दो दिन, दो तीन दिन लगातार जलाऊंगी। सोचा था पोहा बनाऊँ आज, और चने की दाल भिगो के रख दी है, और जैसे ही बनाने लगी पता लगा पोहा तो है ही नहीं। अब सुबह सुबह नहा धो ली हूँ, अब पूजा करूँगी, उस फिर उससे पहले ना सामान ले आती हूँ पोहे का, क्योंकि शिवांगी का कल मटर पनीर का भी मन कर गया था। वैसे आज मैं कढ़ी बनाऊंगी, बहुत दिन हो गए कढ़ी खाए, हल्का फुल्का, कहीं जाओ तो हैवी हैवी खिला देते हैं उनको लगता है, और ये नहीं होता हैवी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब पोहा बनाऊंगी और फिर दोपहर में कढ़ी बनाऊंगी। स्कूटर पे जाने का ना एक अलग ही मजा है अपना, क्योंकि स्कूटर से ना मतलब एक तो ठंडी हवा लगती चलती है, गाड़ी में बैठ के वो नज़ारे नहीं दिखा सकते आपको इतने, यहाँ पे ना रुकना पड़ता है क्योंकि इस साइड ना बहुत एक्सीडेंट होते हैं। पता नहीं इतनी चेकिंग होने के बाद भी कहाँ से लोग आ जाते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये पुलिस चौकी जो चेकिंग पोस्ट है ना यहाँ पे, इसके पहले ही पुंडी डेयरी है, भैया के यहाँ से लेके जाते हैं दही पनीर दूध सब बेस्ट मिलता है। मेरे को ना एक वसुंधरा पैलेस में आए थे हमसे मिलने के लिए, वो दही अमूल का डब्बा लेके आए थे दही का, फिर मैंने उनको बताया कि भैया के, वो कह रहे कि एक्चुअली हरियाणा से थे वो कह रहे दही पता नहीं कहाँ अच्छी मिलेगी, फिर मैंने बताया कि यहाँ पे बेस्ट दही मिलती है और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये देखो हमारी मम्मी कहती थी सासू माँ कि कैसी चक्का सी दही जमी हुई है ये मैं आप पूछ रहे हैं बुरांच का जूस भी मैं यहीं से लेके गई थी, लीची है, माल्टा है और ये लेमन है। पनीर भी ना इनका यहीं बनाते हैं, दही भी यहीं जमाते हैं, मतलब सारा काम खुद ही करते हैं ये इसलिए फ्रेश रहता है, बढ़िया प्योर। आगे बॉर्डर से आने के बाद हमारे यहाँ पे भी फुल चेकिंग होती है, मतलब जाने नहीं देते लोगों को ऐसे ना आराम से। अब जाते हैं आलू प्याज लेने और फिर पोहा लेके घर। भैया आधा किलो भिंडी, बैंगन आधा किलो, एक किलो टमाटर, एक किलो घिया, दो किलो प्याज और दो किलो आलू। पेठा याद आ गया यहाँ पे आके, सुबह सुबह उठती हूँ तो बॉडी अल्कलाइन करनी है, एक दिन बहुत गंदा संदा घेवर वेवर बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए वाइट पेठा लेके जा रही हूँ, दिखाऊंगी आपको जूस बना के और क्या क्या बॉडी के बेनिफिट होते हैं इससे। मेरे से सब पूछते थे कि मधुबन के आप कौन से रास्ते से जाती हो वॉक करने के लिए, जो जंगल वाला आता है स्टार्टिंग में, तो मधुबन मंदिर से आप आगे आएंगे तो ये रास्ता जा रहा है ऊपर की साइड, हल्का सा कट है ऐसे टूटा हुआ है, यहाँ पे ये जिप्सी वगैरह खड़ी मिल जाएंगी आपको, तो यहीं से हम ऊपर चढ़ जाते हैं।
ये वसुंधरा पैलेस होटल है, पूछते थे लोग कहाँ पे है, और उसके सामने ये सोसाइटी है, पूरा एड्रेस बता दिया। दिया को बुलाया सामान लाने के लिए, बहुत ज्यादा सामान हो रखा है। अब आइए ये उतर के। कुंडी ला रखी थी मैं खुद ही बाहर से कुंडी लगा गई और भूल गई। ये सामान देखिए, आज मैं ना बैग नहीं लेके गई, मैं पपीते टमाटर सब। अब इस टाइम ना सब्जियां अच्छी आ रही है और स्मेल आ रही है क्योंकि ना बंद था हमारा स्कूटर। मतलब तू मेरे पीछे पड़ा हुआ, तुझे घेवर खाना है, ये मेरे मामा का लड़का है ना। मतलब खाने का शौक है तू, है जो अपने जीजा जी पे गया था। सारी सब्जियां ले आई थी ये देखिए, और इसको पानी में डाल दिया, इतने पूजा करूंगी, चिड़वा वगैरह बनाऊंगी, इतने ये इसको सिरके में डाल के ना, सिरका है टॉप्स का, इसमें डाल के रख दूंगी, और फिर इसको आधे घंटे के अंदर फिर इसको पानी में, साफ पानी में डाल के रख देंगे, और फिर छलनी में रख देंगे सूखने के लिए, तब तक ये अच्छी तरह से साफ हो जाएंगी सब्जियाँ। अपनी मर्जी का ना हम कुछ खा नहीं सकते हैं। शिवांगी को चने की दाल अच्छी नहीं लग रही, लेकिन ये जो अभी आया था ना, ये मेरे मामा जी बुआ जी का बेटा है, ये गौतम नाम है इसका, भगवान कसम ये वहाँ रहता है शादीपुर में पटेल नगर के पास। ये कह रहा है जब से तू घेवर दिखा रही है घेवर के लिए पागल हो रहा है, और उनका एड्रेस मांग रहा है, मतलब कि उन्होंने किस शॉप से लिया था, रोहतक में किस शॉप से लिया था, और बिल्कुल ठेठ हरियाणवी बोलता है, और जब आएगा भी हंसा हंसा के पेट में दर्द कर देता है। इसको ना चने की दाल को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, थोड़ा ज़्यादा लिया है मैंने इसीलिए क्योंकि फ्राई करनी है ना ये, बाद में इसको हटा दूँगी। ये भुन गया है अच्छे से, ये ना ये इतनी बदतमीज है ना, ये पढ़ते पढ़ते यहाँ किताब रख के फटाफट से पता नहीं क्या याद आया, ये देखो उसने नहीं चाहा, तू तेरे को मन लल चाह गया तारक मेहता को देख के, पढ़ाई करना अपने। ये दिया, जब दिया को शूट करने के लिए कहती हूँ तो ये लाइट के आगे तो कुदर जाती है। जैसे ही मैं आई हूँ, शिवांगी यहाँ बैठी थी और भाग गई, और हमने अपने उसमें चने की दाल मिला ली है। इसी के साथ मैं गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल, होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हमारे इतना बढ़िया बढ़िया ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे। जल्दी से इसको लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए सुबह सुबह ही। अब मैं पहले ही बोल दिया करूँगी, बाद में तो बोलूँगी, शुरू में भी बोल दिया करूँगी। बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं चने की दाल डाल के बना के करना, वो जो क्रिस्पी कड़ कड़ करड़ करड़ होती है ना, वो बड़ी मज़ेदार होती है। दिया अभी हमें इतनी तेज भूख लग रही है, बहुत तेज। चलो मम्मी से जरा बात करते हैं कि क्या बनाना है और क्या बना रही है। मम्मी भूख लग रही है क्या है? तुम कभी कभी माँ को भी बना के खिला दिया? आपने कड़ी चावल बनाने है ना? नहीं मैं नहीं बना रही, अभी अंकल आए रही थी तो दिमाग में क्लियर हो गया मेरा। तो खुद ऐसी बोलेंगी, मैं भी आपके साथ बैठी थी, ब्रश हो गया मेरा। नहीं आपने सुबह सुबह चिड़ा बना के खिलाया, वो भी 10-11 बजे, वो भी इतना गंदा हो क्या? या ये पता पंखा बंद करी करी पंखे बंद हो जाए ना। कड़ी बना दो, टाइम लगेगा उसको बनने में भी। तो मतलब आपने बीच का खाना ही छुड़वा दिया हमका, हमारा तो नहीं बनेगा। खाना नहीं पता बनाओ ना, तो हमारा एक टाइम का खाना खाए। बिजी थी, अभी मैं वीडियो देख रही हूँ, देख लो वीडियो देख रही हूँ, दांत देख रही हूँ कि कुछ गलती गड़बड़ तो नहीं हुई है। मम्मी खाना दे दो, शाम को बनाऊंगी, चावल बना लो, दाल रखी है थोड़ी सी, दे दो ना। मम्मी दे दो ना, भूख लग रही है। ये मम्मी आप आज आप ऐसे क्यों पड़ी हुई हो? अरे वो अंकल आए थे, जैसे कुछ समझा के गए थे कि मैथ्स का कुछ ये इसमें थोड़ा सा गणित लगेगा, गणित सुनते ही मेरे सर में दर्द हो गया। नहीं वो तो हमारे होता है, वो आपके कैसे हो गया? वो तो हमारे होना चाहिए। तेरे तो गणित क्या, सारे सब्जेक्ट सुनते ही होता है। मैं नहीं, मेरे को शर्मा जी की याद आ गई उस टाइम, भगवान कसम जैसे वो कह रहे थे भाभी जी ये गणित लगेगा इसमें थोड़ा सा, जैसे उन्होंने गणित शब्द बोला ना, सर ऐसा फटने को हो गया, तब से मेरे सर में बहुत भयानक दर्द हो रहा है। एक भैया आए थे दिल्ली में मिलने के लिए, बहुत सुंदर आदि योगी देखे गए थे। इन्हें मेरे को नीलकंठ में दिलवाया नहीं था ना,
मैं ये कह रही थी कि पापा जी की फोटो के सामने रखूंगी, पर भैया का नाम नहीं पता मुझे, पारुल गुप्ता के नाम से उनकी आइडिया, पता नहीं वही होंगे, वो गए थे और एक भैया ने बुके दिया था, अरुण भैया उनकी वाइफ, और एक वो ना उनका नाम तो बेचारी, और बुके मैं अपने घर दिल्ली वाले घर में ना वहाँ पे उस पर लगा के आ गई थी। खाना दो चल यहाँ से, बारिश का आनंद तो यही लिया जा सकता है। सुबह से बहुत बुरी गर्मी हो रही थी, सच में बहुत बुरी, और एकदम से ठंडक हो गई, दूसरा दिन ही आए हुए, और मतलब कल ही थोड़ी सी देर के लिए बंद हुई थी सुबह जो हुई थी, और अब फिर हो गई है, और पूरे में ना जबरदस्त बारिश हो रही है ऊपर से, आपको देख रहा हूँ ऊपर। आज हम आ गए हैं गंगा जी पे रात का व्यू दिखाने, और हमारे साथ आई है दिया भी, बड़ी मुश्किल से खींच के लाई हूँ इसको, मन नहीं करता इसको आने का, रात का नहीं करता क्यों, बैटरी डाउन हो जाती है। यहाँ भी ना झाड़ियाँ बहुत उग गई हैं, पेड़ देखती हूँ कि पेड़ बचा भी है कि नहीं, दिखेगा कि नहीं, पर टाइम से लगेगा क्योंकि झाड़ियाँ बहुत आ रही है ना इस टाइम पे, हमारा पेड़ यहाँ था लेकिन फेंस थी, ये रहा गमला है, मतलब ये है शायद हो भी गया होगा, हाँ क्योंकि झाड़ियाँ ना इस टाइम मतलब गाय वाय नहीं आती हैं इस टाइम पे यहाँ पे, और बच जाता है, इस टाइम हो भी जाएगा क्योंकि यहाँ पे रेगुलर बारिश हो रही थी। दिल्ली से जब मुझे खबरें मिल रही थी ना, जब मैं लोगों के स्टेटस देख रही थी, ओहो हो बढ़िया बढ़िया डाल रहे थे। भैया हम इधर आए और बूंदे स्टार्ट हो गई हैं, और प्लीज़ जल्दी जल्दी ना इसको लाइक और शेयर कर दीजिए आधे घंटे के अंदर स्टार्टिंग में, क्योंकि अब हमने 7:15 बजे वीडियो डालना शुरू कर दिया है, मैं शायद आगे तक नहीं जाऊंगी, पता नहीं मुझे कुछ अंदेशा था, लेकिन फिर भी मैं पोलोथिन नहीं लेके आई जिसमें अपने माइक और गोप्रो को रख सकूं। तो थोड़ा सा ही आगे जाएंगे बस, फिर उसके बाद वापस घर, तो जल्दी से जल्दी से, अब तो 7:15 बजे वीडियो डल रहा है आपके कहने के अनुसार। हम आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि ना बहुत तेज से बारिश स्टार्ट हो गई है। ये कह रही है आपको शर्म नहीं आती है ब्लॉगिंग करते, मैंने कहा देख ले कितनी मेहनत करते हैं हम, भीड़ में बोलना पड़ता है, पापा इसके पापा मेरे को पहले मेरे को लेके आए और मेरे को लाने के बाद भीड़ में, नहीं कह रहे भीड़ में कैसे बोलूँ, मैंने कहा उनकी तरफ देखो ही मत जो आपको देख रहे हैं, तो कह रहे हाँ ये बात सही है, मैं देखती नहीं, मैं बोलती रहती हूँ अपने जो बोलना है, ऐसे उनको बोलने की आदत है तो बोलती रहती है, मतलब हम आते हैं ना कोई हमें मिल जाता है। वैसे ही हम बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। आप कहाँ से अभी? नहीं नहीं भैया पैर नहीं चुने, पलवल होटल। अच्छा ये तो भाई शर्मा जी के वहाँ से हैं, होटल से आए हैं अभी। लव भैया और श्रुति जी मिले जो कि हैं तो पलवल से, लेकिन वो फरीदाबाद शिफ्ट हो गए हैं, तो वो उन्होंने जो बताया ना मैं हैरान रह गई, मतलब लोगों हम अपना गम तो देखिए बहुत है, लेकिन दूसरों का गम जब देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि भाई क्या, उन्होंने अपने मम्मी पापा को खोया फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में, फिर अपने मामा मामी को खोया, फिर अपने अभी एक महीने पहले अपनी मौसी को खो दिया, तो 5 लोग ऐसे कनेक्ट करने वाले, मतलब जो चले जाएं जिस फैमिली के वो बता रहे थे ना, तो मेरा मतलब दिल वो रह गया, मतलब मैं सो, अब जिसका जाता है उसी को पता होता है कि क्या क्या मतलब है, पर इतने इतने लोगों ने इस करोना के चक्कर में फर्स्ट और सेकेंड वेव में ना इतने अपनों को खोया है ना, पता नहीं क्या बीमारी चली है, क्या है ये समझ नहीं आ रहा। वेट भी कम नहीं हो पा रहा क्योंकि अभी टेंशन चल, मतलब टेंशन क्या, ब्लॉगिंग तो है ही, वो तो ब्लॉगिंग तो कर रहे हैं हम, उसके साथ साथ टेंशन चल रही है। अब शर्मा जी ना हमेशा गाड़ियाँ, जैसे जितनी गाड़ियाँ चेंज की हैं, 2-3 गाड़ियाँ जो चेंज की थी वो मेरे नाम थी पहले, अब शर्मा जी ने क्या किया कि जो ब्रियो है उनके नाम है, स्कूटर भी उनके नाम है, वो भी चेंज करवाना है, मतलब जब तक ये टेंशन कम नहीं होगी ना तो वेट पे ध्यान नहीं जाएगा। आप तो टेंशन में खाती हो।
मतलब इसको इसको पता है कि मेरा कम जाता है, मेरा ज़्यादा जाता था, और कहते थे मैं चला गया ना तो तेरा वेट मेरी वजह से कम हो रहा है। मैं कहती थी अपना देख लो, तो कहते थे तेरा वेट ना मेरी वजह से कम हो रहा है, जिस दिन मैं चला गया ना उस दिन पता चलेगा। तो पता नहीं पहले, हाँ चल रहा है मुझे पता। जानकी सेतु की लाइट चली गई है और हम थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं। देखो जल अब ना पहले से थोड़ा सा साफ हो गया है। भैया बारिश हो गई है बहुत तेज शुरू, मतलब हमारा भीगने का पूरा चांसेस है। तो आज जो छोटा मोटा घर की एक्टिविटी जो मतलब डेली वो हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग पड़े और बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई थी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, और हस्बैंड वाइफ का ध्यान रखें, वाइफ हस्बैंड का ध्यान रखें। पेड़ ज़रूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर नदी।